नमस्कार। केवल एक गिलास सफ़ेद पेठे का रस रोज़ाना पीने से पाइए अधिकतर सभी तरह के रोगों से मुक्ति। सफ़ेद पेठे का रस, एशगार्ड और विंटर मेलन जूस। इस वीडियो में हम जानेंगे सफ़ेद पेठा क्या है, इसका जूस पीने से क्या फ़ायदे हैं। हम जानेंगे इसकी साइंस क्या है, इसके रस को पीने से कैसे हमारी वर्षों की अधिकतर बीमारियाँ कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ठीक होने लगती हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको कोई प्रोडक्ट या दवाई नहीं बेच रहे हैं, सफ़ेद पेठे का रस पीने को बोल रहे हैं। यह सफ़ेद पेठा आपके सब्जी वाले से ही मिलेगा। सफ़ेद पेठा कच्चा पेठा, इसकी पेठे की मिठाई बनती है, इसके लिए इसे मिठाई वाला पेठा भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बड़ी पेठा, बथुआ, चाल कुमड़ा, सफ़ेद कोला, भूरा, बुआ और इंग्लिश में एशगार्ड या विंटर मेलन इत्यादि। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून के अनुसार, यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है। शरीर के अंदर मल, गंदगी, फॉरेन मैटर, विषाक्त द्रव या टॉक्सिन का रुकना। आपके सभी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट्स के द्वारा यही तो मालूम पड़ता है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ दिख रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सफ़ेद पेठे का रस शरीर में पड़ी गंदगी को बाहर निकालता है, बढ़ी हुई वसा फैट को बाहर निकालकर मोटापे को दूर करता है, अर्थात वजन कम हो जाता है। बढ़ी हुई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर निकालकर रिपोर्ट्स को नॉर्मल करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को तोड़ता है, खून को साफ करता है, जिससे हृदय को रक्त को चलाने में कम शक्ति लगती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हृदय की आर्टरीज की ब्लॉकेज खुल जाती है, बाईपास, एंजियोप्लास्ट, बैलोनिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खून साफ होने से खून का संचार सिर की ओर बढ़ जाता है, बाल गिरने बंद हो जाते हैं, फेफड़ों में रुकी हुई बलगम को बाहर निकाल देता है, गला खराब, खांसी, साइनस, अस्थमा, दमा इत्यादि ठीक हो जाते हैं। खून साफ हो जाने की वजह से चमड़ी रोग, दाद, खुजली, आर्टिकेरिया, चेहरे के पिंपल्स, झाइयाँ इत्यादि गायब हो जाती हैं, थायराइड नॉर्मल हो जाता है। लॉ ऑफ नेचर के अनुसार मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। इसमें चार तरह के गुण होने चाहिए। नंबर वन, होलसमनेस, पूर्णता। नंबर टू, फ्रेशनेस, ताजगी। नंबर थ्री, अल्कलाइनिटी, क्षारता। नंबर चार, फ्रिग्वेलिटी, मात्रा में कम होना चाहिए। इसका गुण क्षारीय है। मानव का भोजन लगभग 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% एसिडिक या अम्लीय हो सकता है। यदि हम अपने सुबह से शाम तक के भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स कहूँ या स्नैक्स कहूँ, फास्ट फूड, जंक फूड को देखें तो हमारे भोजन में 80% से भी अधिक एसिडिक भोजन है, जिसके चलते हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाने से हड्डियों से संबंधित रोग लगते हैं, नी पेन, ज्वाइंट पेन, बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, गठिया इत्यादि। पेठे में रस की मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से यह हाईली अल्कलाइन है। 100% अल्कलाइन होने के कारण यह खून के साथ तेजी से मिल जाता है। इसका सेवन करने से हड्डियां संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, शरीर के किसी भी अंग की सूजन तथा जलन प्रदाह को कम करता है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस वो तो जाना ही पड़ता है। पेठे का रस इंडाइजेशन को भी ठीक करता है, भूख को बढ़ाता है। पेट के ठीक होने की वजह से जिनका वजन कम होता है उनका वजन बढ़ जाता है, पथरी, रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड, सिस्ट को बाहर निकाल देता है, जॉन्डस, पीलिया रोग ठीक होता है, महिलाओं के सभी तरह के रोग, पीसीओडी, विकोरिया, सफ़ेद बर्दर इत्यादि ठीक हो जाते हैं, पाइल्स, बवासीर, आईबीएस, कोलाइटस में अत्यंत लाभदायक है। आंतों के कीड़े मारने के लिए इसका अवश्य प्रयोग करें। वास्तव में सच तो यह है कि पेठे से मिलने वाले लाभ को किसी भी बीमारी के साथ जोड़ना उचित ही नहीं है। पेठा अनेकों विटामिन्स, मिनरल से भरपूर गुणों की खान है। इसमें लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी तथा सी अनेकों पोषक तत्व होते हैं।
जिसके कारण यह स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाकर शरीर में नई ऊर्जा चुस्ती फुर्ती पैदा करता है और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। यह वीर्यवर्धक भी है। हमारा इतिहास 150 साल पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए जीवन की आखिरी श्वास तक स्वास्थ्य सेवा का प्रचार प्रसार निष्काम सेवा भाव से किया। मेरे गुरुदेव जी के गुरुदेव आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों शोध कार्य किए। सफ़ेद पेठे के रस का प्रचार प्रसार 150 वर्ष से गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। मेरे गुरुदेव जी को समाज में पेठे और नारियल पानी वाले गुरु जी के नाम से जाना जाता है। आइए इसे तैयार करने की विधि समझते हैं। नमस्कार, आइए जानते हैं सफ़ेद पेठे का जूस तैयार करने की विधि। जूस निकालने के लिए आप बड़े पेठे का इस्तेमाल करें। बड़े पेठे का जूस ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। पेठे का जूस हम तीन तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, मिक्सी में, जूसर में या फिर कद्दूकस करके। जूस निकालने के लिए आप इस तरीके से बड़ा पेठा लें, इसको बीच में से काट लें। इसको काट के इसका पतला छिलका हटा लीजिए, इस तरीके से। जूस निकालने के लिए आप पेठे का पतला छिलका हटाकर अंदर से इसका बीज वाला गुदा अलग कर दीजिए। ये जो हिस्सा है, सॉलिड हिस्सा जिसके अंदर बीज नहीं है, इसका आपने जूस निकालना है और बीज वाले हिस्से को, गूदे वाले हिस्से को जूस निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जूस निकालने के लिए मैंने पेठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। अब इसका जूस निकालने के लिए मैं इसको मिक्सी के जार में डालती हूँ। इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। और मिक्सी चला, कुछ ही सेकंड्स में हमारे लिए ये पेठा आराम से मिक्सी में पिस जाएगा। अब इसको हम इस तरीके का सफ़ेद कपड़ा जिसे जूस छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। ये देखिए, ये आराम से हमारे लिए एक गिलास पेठे का जूस तैयार है। इसकी मात्रा आपने लगभग एक गिलास, जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ही लेनी है। अब ये जानते हैं कि इसी जूस को अगर जूसर में तैयार करना हो तो कैसे करना है। जूसर में जूस निकालने के लिए पेठे के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए, फिर जैसे गाजर का जूस निकालते हैं वैसे ही जूस निकालना है। इसको हमने छलनी में से, सूप वाली छलनी में से छान लिया और हमारे लिए ये पेठे का जूस जूसर में से कैसे तैयार करना है आसानी से 2-3 मिनट में तैयार हो गया। एक गिलास जूस जूसर में से तैयार किया हुआ हमारे लिए पीने के लिए तैयार है। अगर मिक्सर या जूसर उपलब्ध ना हो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, फिर इसे कपड़े में से छान लेना चाहिए। कद्दूकस करने के लिए हम इस तरीके से इसको बारीक कद्दूकस करेंगे, इस तरीके का कस तैयार हो जाएगा। कद्दूकस करने के बाद इसे हम कपड़े में से छान लेंगे। इस तरीके से भी हम पेठे का जूस तैयार कर सकते हैं। तीनों में से जो भी विधि आपके लिए आसान हो, आपको जिसमें सहूलियत हो, आप उस तरीके से पेठे का जूस तैयार कर सकते हैं। अगर आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं और शुगर को बिना दवाइयों के जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ बेलपत्र के पत्ते मिला लें। बेलपत्र के पत्ते जो शंकर भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, इसके आप कुछ पत्ते ले लें और इनको अच्छे तरीके से धोकर जब पेठे का जूस निकाल रहे हैं तो सीधा मिक्सी में ही डाल दें। आपका पेठे का और बेलपत्र का जूस एक साथ ही निकल जाएगा। यदि आप जूसर में जूस निकाल रहे हैं तो बेलपत्र के पत्तों को सीधा जूसर में ही डाल दें, पेठे के साथ ही पत्तों का भी जूस निकल जाएगा। यदि आप पेठे को कद्दूकस करके जूस निकाल रहे हैं तो बेलपत्र के पत्तों को सिल पर चटनी की तरह पीस लें और उसे छानकर पेठे के जूस में मिला दें।
अगर आप एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कड़ी पत्ते का जूस निकाल लीजिए। ये कड़ी पत्ता, जिसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पंजाब में इसे मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है, आपने जैसे बेलपत्र का जूस तैयार किया था वैसे ही कड़ी पत्ते का जूस तैयार करें और उसे पेठे के जूस में मिला दें। अगर आपको थायराइड है तो आप ताज़ा हरा धनिया का जूस इसी विधि से तैयार करके पेठे के जूस में मिला सकते हैं। ये हरा धनिया पत्ता लगभग हर मौसम में आसानी से अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई भी पत्ते ना मिले तो आप केवल पेठे का जूस पी लीजिए, तो भी आपको उसी तरह का लाभ मिलेगा जैसे आपको पत्तों के साथ मिलेगा। और ये पत्ते किसी विशेष बीमारी के लिए नहीं हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सभी को लाभ होगा। यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, टेंशन, डिप्रेशन या एनीमिया हो, खून की कमी हो, तो उसके लिए केले के डंडे का जूस बहुत ही लाभदायक है। केले का पेड़, जिसमें एक बार फल लग जाए उसमें दोबारा फल नहीं लगता, फिर इसके तने पर से पत्ते हटाने के बाद ये केले का डंडा निकलता है। केले के डंडे की जब परतें हटनी बंद हो जाएं, ये देखिए ऐसे इसकी परतें हटती हैं, जब इसकी परतें हटनी बंद हो जाएं, फिर ये ट्यूबलाइट के रॉड जैसी एक रॉड निकलती है, इसका लगभग आप 3 से 4 इंच लगभग इतना केले के डंडे को या तो आप मिक्सी में ही कर लें या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं और इसको पेठे के रस में मिला देंगे। 200 ग्राम पेठे का रस और लगभग 50 ग्राम केले के डंडे का रस, दोनों को आपस में मिला देंगे। ये आपका स्वादिष्ट पेठे और केले के डंडे का जूस पीने के लिए तैयार है। पेठे का जूस पीते समय ध्यान देने योग्य बातें, इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना बहुत ही लाभकारी है। इसको पीने से पहले चाय, कॉफ़ी या कुछ और नहीं पीना है, उठने से लगभग 1-2 घंटे के बाद पीना है, पेट साफ होने के बाद पीना है। अगर आपका पेट अपने आप साफ ना हो तो अहिंसक एनीमा का इस्तेमाल करें। एनीमा की जानकारी के लिए एनीमा का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेठे का जूस जब आपको पीना हो तभी निकालना है, इसको पहले से निकाल कर नहीं रखना, इसको गैस के ऊपर गर्म नहीं करना और ना ही इसको निकाल कर फ्रिज में रखना है। इसमें किसी भी तरह का कोई नमक, मिर्च, मसाला, नींबू नहीं मिलाना, इसको घूट घूट करके पीना है। इसको पीने के बाद 2 घंटे तक भूख नहीं लगती, क्योंकि ये अत्यंत गुणकारी है। इसके अंदर 4 रोटियों जितनी ताकत है और 1 किलो दूध जितनी शक्ति है। इसकी मात्रा 200 से 250 ग्राम तक होनी चाहिए। सुबह सुबह हमारा शरीर सफाई पर लगा होता है, शरीर के सभी निष्कासन अंगों से गंदगी बाहर निकल रही होती है। ये कब्ज को दूर करके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होगा। अधिक लाभ के लिए इसको दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। दूसरा समय शाम 4 बजे के आसपास चाय, कॉफ़ी, बिस्किट के नाश्ते की जगह पर 1 गिलास पेठे का रस ले लें। यदि आप रसाहार उपवास करना चाहते हैं या अपने रोगों को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं या फिर तीव्र रोगों की अवस्था में, केवल पेठे के रस को ही दिन में 3-4 बार लेकर अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, देर किस बात की, आज ही पेठे के रस को पीने की शुरुआत करें। जैसा बताया गया है, बड़े आकार का लगभग 7-8 किलो का पेठा लेना है। इसको बीच में से काट कर फ्रिज में रख सकते हैं। ये दवाई नहीं है जो केवल बीमार व्यक्ति ही पिएगा, इसे परिवार के सभी सदस्यों को पीना चाहिए। जैसे पीले सीताफल की सब्जी बनती है, ऐसे ही सफ़ेद पेठे की भी सब्जी बन सकती है। यदि आप इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको खुद भी पिएं और अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को पिलाएं। उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और पेठा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यदि किसी को पेठा उपलब्ध ना हो तो क्या करें, यदि आपको पेठा ना मिले तो निराश ना हो, आप इसके स्थान पर हरा नारियल पानी डाब ले सकते हैं। यदि आप पहले बताई गई किसी हरी पत्ती का रस मिलाना चाहते हैं तो उसका मिक्सी में पेस्ट बनाकर नारियल पानी के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। यदि आपको नारियल पानी भी ना मिले या फिर महंगा लगे तो आप मौसम की कच्ची सब्जियों का जूस पी सकते हैं। ध्यान रखें, कच्ची सब्जियां मौसम की ही होनी चाहिए। जैसे अभी गर्मी के मौसम में घी या लौकी का जूस,
खीरे का जूस या फिर पालक टमाटर का जूस, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो और जो आपकी पसंद हो वही जूस ले सकते हैं। ध्यान रहे, सबसे बढ़िया तो पेठे का जूस है, फिर नारियल पानी और फिर कच्ची सब्जियों के जूस। कहने का भाव है, यदि पेठा उपलब्ध हो तो पेठे का ही जूस लें, अन्यथा दूसरी चॉइसेस पर जा सकते हैं। साधकों, मित्रों, देर ना करो, आज ही पेठे का जूस पीना शुरू करें और अपनी सेहत में आने वाले सुधार को महसूस करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे नए रेसिपी वीडियोस को देखने के लिए और पुराने वीडियो से लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पेठे का जूस पीने से लाभ हुआ हो तो कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारी पुस्तकें हमारे मुख्य कार्यालय रोहिणी सेक्टर 3 और अमेज़ॉन ऑनलाइन सर्विस पर अवेलेबल हैं। हमारी निशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रत्येक रविवार हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें तथा प्रैक्टिकल जानकारी के लिए हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेकर हमारे साथ रहकर सीख सकते हैं। धन्यवाद।